अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान के पास कुछ दिन रह गए, तो ये मैं पकौड़े बना रही थी। पकौड़ों का मिक्सचर मैंने बना लिया है, बस देखें कितना मज़े का बन रहा है। और रमज़ान में और कुछ हम बनाए ना बनाए, पकौड़े लास्ट में बनाते हैं, तो लोगों को तो अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये ऑयल मेरा अब गर्म हो गया है, ये मैंने अब इसके अंदर डालने शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे मैं बनाऊंगी क्योंकि बहुत मोटे जो है ना खाने का दिल नहीं करता। और आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लें। कोई यार कोई आपका टैक्स नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, जस्ट आपने एक क्लिक करना है और मुझे कर लेना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे इस रमज़ान मुबारक में, आपको सारी आपकी दुआएं कबूल अता फरमाए, आपको खुशियां अता फरमाए, जो जो आपकी जो जो आपको जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये देखें ये पकौड़े, तो मैं ये नहीं आपको कह रही कि नहीं यार आप मेरी वीडियो एंड तक देखो तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट लोग हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लोग भी देखें कितने व्यूज़ आते हैं, उन मेरी पे तो व्यूज़ ही नहीं आते। आप काइंडली यार मुझे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, कहीं ना कहीं पे तो मेरी वीडियो काम आएगी ना आपको। किसी ना किसी को तो पकौड़े बनाने नहीं आते होंगे ना, तो यही बात है, बस ये कुछ कहना था। बाकी आप लोग हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल अता फरमाएं। रमज़ान में जितनी भी आपने इबादतें की हैं आपकी कबूल करें। ये देखिए मेरे पकोड़े अब फ्राई हो चुके हैं, तो ये काइंडली मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग इतनी मेहनत से, अब मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से उसको कर रही हूँ। बहुत बहुत मुश्किल होता है वीडियोस बनाना, और ये मेरे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
Thank you.